मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बीजेपी के इस फैसले को समझने की जरूरत है। दरअसल इस फैसले के पीछे सिर्फ एक शब्द है, हिंदुत्व। हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व। हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व सत्ता मोह में। उद्धव जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी थी। कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे थे उद्धव जी। कांग्रेस एनसीपी के गीत गा रहे थे उद्धव जी। कल वो हाथ जोड़कर सीएम पद की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ी और अब पूरी पार्टी ही हाथ से निकल रही है। अब उद्धव जी बिल्कुल अकेले हैं दोस्तों। ना गाड़ियों का काफिला है, ना बंगला है, ना पार्टी उनके हाथ में है और ना ही कोई समर्थक। एक झटके में सब कुछ खत्म हो चुका है। और देशवासियों, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी हैं। हां, वही उद्धव जी जिन्होंने अपने कुर्सी के लिए बाला साहेब के विचारों को दांव पर लगा दिया, शिव सैनिकों के भरोसे को दांव पर लगा दिया। दरअसल आज जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो हिंदुत्व की जीत है दोस्तों, बाला साहेब के विचारों की जीत है। एकनाथ ही शिवसेना है और एकनाथ ही मुख्यमंत्री है। उद्धव जी सुन रहे हैं ना आप? उद्धव जी, ये तो कोई कहिए उनको टीवी ऑन करे। उद्धव जी, आप ये लड़ाई हर तरफ से हार चुके हैं। और उद्धव जी सुनिए और सुनिए, आपकी कुर्सी चली गई, आपकी पार्टी भी चली गई। और 2 साल पहले भी मैंने इसी स्टूडियो में बैठकर बोला था, लिख कर ले लो, मैंने कहा था उद्धव जी आपकी कुर्सी जाएगी। कहा था कि नहीं मैंने? उद्धव जी सवाल पूछ रहा हूं आपको, कहा था कि नहीं मैंने? और आपके कुर्सी के जाने का कारण होगा आपका ये घमंड, आपका ये अहंकार। देशवासियों, सच्चाई यही है कि उद्धव जी सत्ता के नशे में इतना चूर थे और इतना चूर थे कि समझ ही नहीं पाए। कुर्सी के नीचे से अपनों ने ही कालीन खींच ली। और उद्धव जी, आप चारों खाने चित हो गए। उद्धव जी, बीते 2.5 साल में आपने अपने अहंकार और अपने इसी घमंड के सामने किसी को कुछ नहीं समझा। पालघर के साधुओं को कुछ नहीं समझा, सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों को कुछ नहीं समझा, हम जैसे पत्रकारों को कुछ नहीं समझा। सिर्फ कहते रहे, उखाड़ दिया। अरे क्या उखाड़ दिया? आज किसने उखाड़ दिया? उद्धव जी पूछिए अपने आप को, अपने अंतरात्मा को, किसने किसका उखाड़ा था और किसका उखाड़ दिया आज? अब आपने लोकतांत्रिक सरकार नहीं चलाई बल्कि बदले की भावना से काम किया। बीते 2.5 साल में एक नहीं, कम से कम 2,500 ऐसे सवाल हैं जिन पर आपने चुप्पी साधे रखी। इसलिए आज मेरे साथ मिलकर पूछिए दोस्तों, पूछिए, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है भारत कि क्या कुर्सी के लालच में
उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को भूल गए थे? क्या उद्धव ठाकरे ने पुलिस का इस्तेमाल कर निजी बदले किए और लिए और तुष्टीकरण के लिए बाला साहेब के विचारों को भी भुला दिया? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछ रहा है सारा भारत कि क्या उद्धव ठाकरे माफी के लायक भी है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत।